बड़ी खबर, रेत तस्करों पर कसी जा रही है नकेल। जैसा कि आपको हम बता दें कि पूरे राज्य में रेत की खदानें बंद कर दी गई हैं और किसी भी खदान से रेत का खनन नहीं किया जा रहा है, फिर भी बड़े पैमाने पर शहरों और ग्रामीणों इलाके में घर निर्माण और रास्ते निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। इसी की पड़ताल करने जब हमारी चैनल की टीम पहुंची रेत तस्करों के ठिकानों पर, तो क्या हुआ देखिए कैसे हमारी टीम ने रेत तस्करों को पकड़ के दिखाया। आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। जैसा कि अभी हम लोग जिस जगह पहुंचे हैं, यह एक कोदामेड़ी करके ग्राम है। इस ग्राम का यह फूले नगर जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से पटकीदान यह इलाके को कहा जाता है। इस इलाके में अभी हम जब शाम के समय जब पहुंचे थे तो यहाँ एक हमें जानकारी मिली हुई थी कि यहाँ एक रेती का जो अवैध उत्खनन कर स्टॉक जमा किया हुआ है, यानी यहाँ बड़े पैमाने पर रेती डम करके रखी गई थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा रेती चली गई है। 25% रेती मौजूद है। यहाँ की जो तहसीलदार है, सड़क अर्जुनी तहसील की जो तहसीलदार है, उन्होंने अभी एक टीम भेजी है जिसमें पुलिस कर्मचारी और मंडल अधिकारी वगैरह भी आए हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो लोग भी है। अब इस जगह इस रेती का जो स्टॉक जो जमा किया हुआ है, इसे अभी सीज किया जाएगा और इसको जब्त करने के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी और यह रेती किसकी है यह भी पता लगाया जाएगा और उस पर भी मामले दर्ज किए जाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पंचनामा हुआ है। यह कोदामेड़ी का शिवार है। लगभग इस खेत में यह खेत जिनका है उन्हीं के ऊपर ये मामला रहेगा। लगभग पंचनामा हो चुका है। इस जगह 1000 ब्रास के आसपास रेती डम स्टॉक करके रखी गई थी और अभी इस जगह से लगभग 600-700 ब्रास यहां से ले जा चुके हैं और 200 ब्रास लगभग यहां रेती जो अवैध तरीके से जमा इकट्ठा करके रखी हुई थी, उसी रेती का अभी पंचनामा करके उसे जब्त किया गया हुआ है। ज़्यादा जानकारी अभी हम लेंगे यहां के जो मंडल अधिकारी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला क्या है। बताइए अभी रेती कितनी जमा हुई है अपने पास? रेती अभी मौके पे 200 ब्रास अंदाजे होंगी। अच्छा। और इसके पहले इन्होंने डंप किए थे तो इसमें से इसके पहले 600-700 ब्रास यानी गई हुई है, ऐसा मौके पे दिख रहा है। बाबा जी आपका क्या नाम है? राजाराम गोविंदा शहरे। राजाराम गोविंदा शहरे जी जो है, जब हमने यहाँ के जो तहसीलदार मैडम है उनसे हमने जब फ़ोन पर संपर्क किया और हमने जब उन्हें बताया तो उन्होंने ये सारी टीम उन्होंने अपनी भेजी हुई थी, जिसमें मंडल अधिकारी भी आए हुए हैं, दो पुलिस वाले भी आए हैं हमारे साथी और कुछ उनके साथ में और लोग आए हुए हैं। और अभी यहाँ के जो तंटा मुक्ति के जो अध्यक्ष है और यहाँ के ग्राम पंचायत के वो मेंबर भी है, इस पूरे मामले में जिनकी रेती है वो हमको बताएंगे कि ये जगह किनकी है और वो रेती का यानी जहाँ हम लोग मौजूद है उस जगह की जानकारी भी देंगे। बाबा जी ये जगह किनकी है? बनकर की है। बनकर की है। हाँ। और यानी आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मराटोली के। मराटोली के रहने वाले हैं। तो जैसा ये बनकर की इनकी ज़मीन है और इस ज़मीन पर यहाँ जो रेती अवैध तरीके से रखी गई है, यह पूरी तरीके से अनलीगली तरीके की रेती जमा करके रखी हुई थी। यहाँ की तहसीलदार मैडम ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और हमने जैसा यहाँ जो स्टॉक किया हुआ जो ये था वो हमने हमारी चैनल की टीम के साथ मिलकर या और सरकारी यंत्रणा के साथ मिलकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया हुआ है। और आज हमने एक सरकारी विभाग की जो रेवेन्यू विभाग जो डिपार्टमेंट होता है उसकी एक बहुत बड़ी जो चोरी और तस्करी की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं हमने रोक लगाने का ये हमारा छोटा सा बाल प्रयास था। यहाँ के जो मंडल अधिकारी हमारे साथ जो आए हुए हैं उन्होंने यहाँ से जो गांव है उस गांव के जैसे यहाँ के सरपंच है, उपसरपंच है और साथ में कई जो गांव के जो पदाधिकारी होते हैं, जब हमने मंडल अधिकारी जी ने उनसे संपर्क किया तो वो इस गांव में मौजूद रहने के बावजूद इस जगह पर आना उन्होंने लाजमी नहीं समझा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिसके
किसकी है रेती है उन्हें सारे गांव वालों को पता है कि इनकी रेती है, और वो लगभग यहाँ के कोई एक जो पूर्व यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है उनका कोई करीबी रहने के वजह से यहाँ के जो स्थानीय जो पदाधिकारी है सरपंच उप सरपंच पुलिस पटेल वगैरह वो इस मौके के पंचनामे के दौरान मौजूद नहीं थे। लगभग यह पूरा जो मामला है ये सारी मिलीजुली सरकार के तौर पर चलाया जाता है, लेकिन फिर भी इतने अंदर के इलाके में जाकर हमारे को तहसीलदार मैडम ने भी काफ़ी अच्छा संयोग दिया है और हमारी टीम ने यह जो कार्रवाई की है यह काफ़ी एक बड़े तौर पर देखा जाए तो एक छोटी मछली को पकड़कर बड़ी मछलियों को पकड़ने की एक छोटी सी कार्रवाई थी। इस पूरे जो मामला है यह मामले में लगभग गाँव वाले का जो संयोग असंयोग बना रहा हमें वो काफ़ी हमें दुखदायी था, लेकिन फिर भी हमारे को यहाँ के जो स्थानीय जो ये है यानी पुलिस यहाँ के जो स्थानीय तंटा मुक्ति के जो अध्यक्ष है उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा संयोग दिया और वो इस जगह पहुँचे और ये पूरे जो मामले में उन्होंने हमें कार्रवाई के लिए जो भी अभी जो सरकारी यंत्रणा ने कार्रवाई की है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा संयोग रहा। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिने के साथ निशान भाई। हमारी टीम ने तह तक जाकर पता लगाया। अभी जो हमने रेती का जो मामला हमारी चैनल की जो टीम है जिसने वो रेती के मामले को दर्ज करवाई है तहसीलदार महोदया जो सड़क अर्जुनी तालुका की है उन्होंने हमें जो कॉपरेट किया उसके बाद हमें पता चला कि वो ज़मीन जिनकी है अभी हम उन्हीं के साथ ये तेली घाटबोरी गांव में आए हैं। अब हम उनसे पता करेंगे कि वो जो रेत उनके जो खेत में है वो किन की है और या इनकी है या और किसी और की है ये भी हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। विनाराम फत्तू भूरे। विनाराम फत्तू जी भूरे। आपकी जो ज़मीन है वो कहाँ है? कोदामेड़ी में है। अभी जो आपके खेत में जो यहाँ के जो तहसील विभाग है उन्होंने वहाँ पंचनामा किया है, हमारी चैनल की टीम ने वो रेती का जो अवैध साटा था वो ढूंढ के निकाला, तो वो खेती जब हम उस जगह पहुँचे और फिर हमने पूरा वो अभी पंचनामा वगैरह किया हुआ है वहाँ के जो गांव वाले जो ये थे उन सब लोगों ने उसको ये किया है, तो अब आप बताइए कि वो जो रेती है वो किन की है? देवानंद वंजारी। क्या बोले, क्या नाम? देवान जी वंजारी। देवानंद सदाशिव वंजारी। ये रहने वाले कहाँ के हैं? घाटबोरी के रहने वाले हैं। उन्हीं की रेती है, लगभग आपके खेत में 1000 ब्रास रेती ये थी। अच्छा, उनको आपने यानी कोई आपका एग्रीमेंट वगैरह हुआ है उनके साथ? नहीं। फिर वो रेती कैसी रखे आपके इसमें? इनकी खेती है ना उधर ही इनकी खेती है। अच्छा, तो फिर आप आपके खेत में यानी उन्होंने अपने खेत में क्यों नहीं रखा? गाली फंसती है बोल रहे। अच्छा, और उधर रखता हो। अच्छा, तो आपके वहाँ रखते हैं तो आपके खेत को ही लग के उनका कोई खेत है क्या? जी लगू नहीं पड़ोसी खेत है आपका। हाँ। लगकर ही खेत है। हाँ। तो उन्होंने आपके जो खेत जो आम का बगीचा है। हाँ। उनके बगल में ही वो रेती रखे है। हाँ। आपके खेत वही आपका खेत है ना? आम का बगीचा वाली पट्टी हमारी। अच्छा, वो पट्टी आपकी है। हाँ। तो उसमें उन्होंने अभी जो रेत रखी है वो आपके खेत में रखी हुई है। हाँ। और वो जो रेत है वो किनकी बोले आपने अभी? देवानंद सदाशिव वंजारी की है। जैसा कि अभी हमारे ये जो खेत के जो मालक है वो जिनके नाम से ये पंचनामा बनाया गया है उन्होंने अभी हमें बताया कि ये जो ज़मीन में जो खेत में जो रेती रखी है अवैध तरीके से जो रखी गई थी जिसको अभी तहसील विभाग के प्रशासन ने जब्त किया हुआ है और उन पर अभी जो जिन्होंने इनका भी नाम लिया है उन्हीं की वो रखी है इनके खेत में दूसरे ने वो रखी हुई है। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिने के साथ निशान भाई। फिलहाल बहुत हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube चैनल पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। असली इंडिया।